नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों, मेरे द्वारा बनाए गए जीके रिवीजन के वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो अगर किसी का कोई वीडियो छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और उस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले का नाम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, पिछली क्लास में बहुत से लोगों ने सही आंसर दिए हैं, उनमें से कुछ नाम हैं सारिका सिंह, आदित्य मिश्रा, पवन सिंह चौहान, सना अंसारी और अमर प्रताप। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो हंटर आयोग बनाया गया था उसमें कितने भारतीय थे? आंसर है 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, चिमन लाल सीतलबाड़, साहबजादा सुल्तान एवं जगत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? आंसर है 19 अक्टूबर 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल ने किस आंदोलन से सहमत न होने के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया? आंसर है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसी पर लटकते हुए यह किसने कहा था कि मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ? आंसर है रामप्रसाद विस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल राइफल ने किस पर गोली चलाने से मना कर दिया था? आंसर है पठान सत्याग्रहियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किसने किया? आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी हुई, गांधी जी, कस्तूरबा और सरोजनी नायडू को कहाँ रखा गया था? आंसर है आगा खान पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में कौन विख्यात हुआ? आंसर है उषा मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया जिसका क्या नाम था? आंसर है फ्री इंडियन लीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? आंसर लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने अंडमान और निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा? आंसर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? आंसर है 4 जुलाई 1947 में। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणेन्द्र घोष की हत्या किसने की? आंसर है बैकुंठ शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, कब कब? आंसर 1925 और 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर है दयाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा? आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? आंसर श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? आंसर है बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर एम जी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को लोकहितवादी नाम से भी जाना जाता है? आंसर है गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल कहां पर स्थित है? आंसर, अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? आंसर, स्वामी विरजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? आंसर, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? आंसर, 8 नवंबर 1927 में। दोस्तों, यूपी स्पेशल का पीडीएफ तैयार हो चुका है। पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है इसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना का विद्रोह कब किया गया था? आंसर, 19 फरवरी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? आंसर, 24 मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? आंसर, 2 सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कब और कहां की? आंसर, 13 मार्च 1940 को लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार ने किस क्रांतिकारी पर 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की थी? आंसर, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जगत का नारा किसने दिया था? आंसर, विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मत दो का नारा किसने दिया था? आंसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आंसर है, जय प्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? आंसर, ईश्वर चंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन थे? आंसर, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? आंसर, एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? आंसर है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने दी थी? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? आंसर है, महाराजा खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? आंसर है, 1896 कोलकाता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? आंसर, 1907 सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया? आंसर, 1915 मुंबई अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई? आंसर, 1925 कानपुर, श्रीमती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया? आंसर है, 1937 फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेजर आयोग का गठन क्यों किया गया था? आंसर, 1902 पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथगो आयोग का उद्देश्य क्या था? आंसर, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में सप्रभु समिति किस उद्देश्य से बनाई गई थी? आंसर, बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का क्वेश्चन है, किसने 1857
के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।